तो ये पिज्ज़ा देखिए कितना परफेक्ट बना है, और इसका डो कैसे बना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से अगर डो बनाते हैं तो आपका पिज्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा और जलेगा नहीं। और मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ ये आपको वीडियो में आगे बताती हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और पिज्ज़ा की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिस। तो सबसे पहले हम पिज्ज़ा का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और इसमें एक कप मैदा डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, ये आधा चम्मच चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। तो इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, 2 या 3 चम्मच, फिर हम इसको मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा डो बनाएंगे। तो अगर इसमें थोड़ा सा दही कम लग रही हो तो आप डाल सकते हैं, इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके डो बना लेंगे। तो ये देखिए ये डो बन के रेडी है। तो अब थोड़ा सा हाथों के एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अब एक थाली लेंगे और हथेली के जो ये लास्ट पार्ट है इसे से हम इसको मसल देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको मसल देना है कि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको गोल सा शेप दे देंगे और इस पर हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो इस पर रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसी बॉल में ढक के और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा डो फूल चुका है। और इसको अब हम फिर से एक बार हथेलियों पे लेके और ऐसे गोल शेप दे देंगे और थोड़ा सा आटा लेंगे हम डस्टिंग के लिए और इसको इस पर रोल कर लेंगे। पहले इसको प्रॉपर शेप दे के और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। तो रोलर की हेल्प से हम इसको रोल कर लेते हैं। तो इसको ना तो ज़्यादा मोटा शेप देना है और ना ही ज़्यादा पतला, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उठा के, ये बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हम इसको एक प्लेट या जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं उसमें रखेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के और इसको हम बेक कर लेंगे और इंजॉय करेंगे। तो इसका फुल वीडियो लिंक मैं दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।